लावा इश्क चंबर उड़ारिया सानू प्यार दिया चढ़िया खुमारिया हो लावा इश्क चंबर उड़ारिया सानू प्यार दिया चढ़िया खुमारिया सानू प्यार दिया चढ़िया खुमारिया हो मेरे पैर ना जमीन उत्ते लग दे पैर ना जमीन उत्ते लग दे हो लोकी चश्मे मोहब्बत ज वग दे ओ यारी मिठे मुठे सुपने भी खग दी ओ गल मेरे बस दी रही ना गल मेरे बस दी रही ओ किसे ऐसी आने गाह मैनू तकिया क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा याद है मुझको तूने कहा था तुमसे नहीं रूठेंगे कभी दिल की तरह से हाथ मिले हैं कैसे भला छूटेंगे अभी तेरी बाहों में बीती हर शाम बेवफा ये भी क्या याद नहीं क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा क्या हुआ तेरा वादा वो कसम वो इरादा रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन भीगे आज इस मौसम में लगी कैसी ये अगन रिमझिम गिरे सावन सुलग सुलग जाए मन आज इस मौसम में लगी कैसी अगन रिमझिम गिरे सावन सिंगिंग का मैं क्या कहूँगा सिंगिंग तो लगभग हर व्यक्ति में जहाँ तक मेरा ख्याल है मेरा एक्सपेरिमेंट है कि हर व्यक्ति में ही संगीत होता है पर उसको पॉपुलरिटी का जहाँ तक बात आप कह रहे हो चल रहा है तो वो निकालने वाले के ऊपर वो कहाँ तक निकालता है या कोई प्रतिभा कोई सही हाथ लग जाए तो वो पॉपुलरिटी हो जाती है अदरवाइज कई संगीत बहुत अच्छे अच्छे कलाकार बैठे जो दबी रहेगी प्रतिभा मौका ना मिलने के कारण और संगीत की एक बात बड़ी बताऊँ संगीत व्यक्ति में तो होता ही होता है पशु भी संगीत पे थिरकता है संगीत में वो जान है पशु भी संगीत की समझ रखते हैं अक्सर आपने विवाह शादियों में देखा होगा कोई ऊँट है घोड़ी है वो संगीत पे थिरकते देखे होंगे संगीत की समझ तो सभी की बस वो पशु है कि वो अपने भावनाएं व्यक्त नहीं करता कर पाता शब्दों के पर वो अपनी भाव भंगिमाओं से वो भी बता सकता बताता भी संगीत मैं सुनता हूँ तो शुरुआत सर कैसे हुई कैसे विचार आपका बना कि इस लाइन में आपको आना चाहिए मेरा एक्चुअल में संगीत से पुराना नाता है कहने को तो मैं कहता नहीं मैं 5-6 साल लगातार हमने 86-87 से मैंने 92-93 तक 93 तक मैंने भजन मंडली होती थी हमारी सिरसा से बालाजी नाम से भजन मंडल होता था उसमें मैं लगातार भजन गाता था फिर अचानक फादर
एक्सपायर होने से हमारे ये छूट गया घर की जिम्मेवारियों के कारण। फिर मैंने अपनी दुकानदारी में इतना व्यस्त रहा क्योंकि रोज़मर्रा का काम इतना होता था तो म्यूजिक को समय नहीं दे पाया। समय चलता गया, धीरे धीरे हालात बदलते रहे और अचानक क्या हुआ, 3 साल पहले 2020 की बात है शायद, मेरे को साइटिका की प्रॉब्लम हो गई थी, बहुत तकलीफ में रहा मैं। तो फिर से किसी ने मेरे को कहा आप संगीत की समझ रखते हो, आप संगीत को सुनो, संगीत को गाओ, जो आपकी रह गई। तो मैंने संगीत को अपनाया तो मैं उससे मेरे इलाज में मेरे को बड़ा मदद मिला और मैं बिना दवाई ही संगीत सुन के और गा के इतना मस्त रहा कि वो मैं मेरी बीमारी भूल गया, ठीक हो गई मेरी बीमारी। और उसके बाद फिर मैंने इसका दामन नहीं छोड़ा। किस गाइडलाइन में आपने सीखा संगीत, कहाँ से शिक्षा मिली जो आपको उस लाइन में आई होगा? हम मैं प्रॉपर तो नहीं सीखा हूँ, मैं ऐसे कह दूँ प्रॉपर मैंने नहीं सीखा, बेटा बेटी को मैंने प्रॉपर सिखाया क्योंकि मेरी ये थी संगीत में आगे जाने की, पर मैं नहीं सीख पाया अभाव में, समय के अभाव या मजबूरी बस। और मैं सीखा रेडियो सुनते रहते, हम टेलीविज़न देख के उसको सुनते रहते, गाते रहते, एंटरटेनमेंट का कोई साधन नहीं होता तो इतना हमने रेडियो सुना, इतना रेडियो सुना, हम वैसे ही चलते चलते गाते रहते थे, शौक पैदा हो गया और ये आज मेरे वरदान साबित हो गए मेरे लिए, मेरी बीमारी के लिए। और जो पॉपुलरिटी आप मिली है आप लोगों की दुआओं से, संगीत के कारण मैंने अपना, मेरे को और ज़्यादा नाम मिला इसमें। आदित्य क्या कुछ करना चाहेंगे, अब आप भी संगीत लाइन में हैं, कैसा एक्सपीरियंस है और परिवार से कितना सपोर्ट मिलता है? जी संगीत की तो लाइन ही सर ऐसी है कि इसमें तो आप मगन हो जाते हो और कुछ फिर आपको सोचता भी नहीं है। जहाँ तक संगीत की बात है तो संगीत के रूट्स मेरे देखे जाए तो मेरे फादर साहब से आए हैं, मुझे इनहेरिटेड आप कह सकते हो ये है। तो बचपन से ही मैं लाइक गाने वाने सुनता था तो मुझे गाने का शौक़ था और फैमिली से संगीत के प्रति मेरे को बहुत सपोर्ट मिला है शुरुआत से ही। तो जब मैं छोटा सा होता था तो मम्मी कह दिया करती थी किसी के सामने कि गाना गा के सुना, तो उस टाइम गाता था, जैसा मर्जी गा देता था, गलती होती थी पर इन्होंने कभी ऐसा नहीं कहा कि नहीं ये गलत है ये गलत है, इन्होंने हमेशा मुझे प्रोत्साहन ही दिया है कि नहीं तू बहुत अच्छा गा रहा है ये है। तो इससे कहीं ना कहीं मुझे मोटिवेशन मिलती रही और थोड़ा मैं बड़ा हुआ तो मुझे इन्होंने क्लासिकल म्यूज़िक सिखाने के लिए भी भेजा, क्लासेस लगवाई, तो उससे भी मुझे बहुत जो है आगे फ़ायदा हुआ है। तो म्यूज़िक तो लाइक इट्स अ थिंग दैट इज इनसेपरेबल फ्रॉम मी, सो या दैट्स ऑल। बड़े बड़े प्लेटफॉर्म्स पे आपने कोशिश की है, प्रयास की है, प्लेटफॉर्म्स तो सर ऐसे हैं, ऑनलाइन भी है और कई फिजिकल मोड्स में भी किए हैं। तो अगर मैं स्कूली स्तर पे देखूँ तो 12वीं कक्षा में एक नेशनल लेवल पे कला उत्सव होता है तो उसमें बच्चे चुने जाते हैं हर एक स्टेट से, हर एक डिस्ट्रिक्ट से, तो वो डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक और ऐसे लेवल पे नेशनल लेवल तक जाता है। तो उसमें स्कूली तरफ से मुझे मिला गया मौका कि आप करिए क्लासिकल वोकल में, तो मैंने उसमें पहले डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जीत हासिल की, फिर उसके बाद मेरा स्टेट लेवल हुआ ऑल हरियाणा के, उसमें बच्चे होते हैं तो वो एक दूसरे से कम्पीट करते हैं, तो उसमें डिस्ट्रिक्ट से मेरा स्टेट भी हो गया, स्टेट में मैं फ़र्स्ट आया, ऑल हरियाणा फर्स्ट आया। उसके बाद मुझे नेशनल लेवल पर चयनित किया गया इसके लिए कि मैं नेशनल लेवल पर हरियाणा को रिप्रेजेंट करूं उसमें, तो उसमें ऑल इंडिया के सभी स्टेट से बच्चे होते हैं, हर एक स्टेट से एक बच्चा आता है उसमें। तो वो हमारा कार्यक्रम जो था वो दिल्ली में हुआ था, तो वो दिल्ली में ही होता है हर साल और उसमें सभी बच्चों ने बहुत अच्छा अपना पार्टिसिपेशन किया और फिर उसमें मुझे टॉप 10 में सिलेक्ट किया गया और मुझे फिर वहाँ से जो वहाँ पे जज बैठे होते हैं बहुत ही गुणीजन होते हैं वो, तो उनसे कमेंट्स भी प्राप्त हुए कि आप कहाँ सुधार सकते हैं, आपने कहाँ अच्छा किया है, ये सब। तो ये सब चीज़ें इकट्ठी होकर मुझे आगे बढ़ाती है इस संगीत की शिक्षा में। और अगर मैं ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में देखूँ तो जो कि एक पिछले साल हुआ था लाइट म्यूज़िकल का, बॉलीवुड सॉन्ग्स का, तो उसमें ऑनलाइन हुआ था वो और उसमें हमको लाइक रिकॉर्डिंग्स अपनी भेजनी थी तो वो भी अलग अलग स्टेट्स में सभी ने भेजी थी, वर्ल्ड लेवल पे भी। हाँ जी वो वर्ल्ड लेवल पे भी था, तो उसमें सिलेक्ट होकर वो सभी रिकॉर्डिंग को वो उन्होंने सेग्रेट किया, अलग अलग किया, फिर उसमें से बच्चे चुने, तो उसमें भी मेरा फर्स्ट पोजीशन आया था। अच्छा कितना डिफरेंस मानते हैं, अब आप सोशल मीडिया का दौर है, अलग अलग अपने हुनर को प्रदर्शित करते हैं, गाना गाते हैं, एक उस प्लेटफॉर्म पे गाना जिस प्लेटफॉर्म तक आप प्रदर्शन कर सकते हैं उसमें कितना डिफरेंस आप मानते हैं? सोशल मीडिया तो सर आजकल सोशल मीडिया का ही ज़माना है तो इसने तो लोगों को मतलब बहुत आगे तक पहुंचा दिया है। अब मैं खुद भी अगर देखूं तो
अगर मुझे अब जैसे मैं दिल्ली रहता हूँ, मैं घर पे तो रहता नहीं हूँ, तो गाने बजाने का इतना हो नहीं पाता ना मैं प्रॉपर सीख पाता, तो हम कई चीज़ें हैं कि सोशल मीडिया से दूसरों को देख के सीख लेते हैं। तो और दूसरी बात ये कि हम हमारी गाने की छोटी छोटी क्लिप्स बनाकर भी सोशल मीडिया पे भेज सकते हैं, और सोशल मीडिया तो ऐसा जरिया है कि आप दुनिया में कहीं पे भी सब तक पहुंचती है जो चीज़। तो सोशल मीडिया तो बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आपको प्रोवाइड करवाता है कि आप अपनी सिंगिंग, अपनी कला और अलग अलग डाइवर्सिटी को दिखाओ, आप लोगों को दिखाओ। तो यही है सर, मुझे लगता है कि जितने भी आजकल गाने चलते हैं, चाहे हिंदी ले लो, हरियाणवी ले लो, पंजाबी ले लो, कोई भी ले लो, किसी भी क्षेत्र का कोई भी लोकगीत हो, कुछ भी हो, अल्टीमेटली इट्स लिंक टू रूट्स ऑफ म्यूज़िक। वो म्यूज़िक का ही अंग है और उसके जो कहीं ना कहीं जड़ें भी है वो भी म्यूज़िक से ही निकलती है, और म्यूज़िक से भी जो कि क्लासिकल म्यूज़िक से निकलती है। जो भी आप सुन रहे हैं आजकल, कोई भी कॉम्पोजिशन है, कोई भी गाना है, वो कहीं ना कहीं हमारे शास्त्रीय म्यूज़िक से ही, शास्त्रीय गायन से ही निकला गया है। तो चाहे नया गाना हो चाहे पुराना हो, तो हमारे क्लासिकल म्यूज़िक को ही गुणी जिन्होंने मॉडिफाई करके जो है आजकल मॉडर्न म्यूज़िक में बदल दिया है, और यही सब तो आजकल के सभी गाने, मैं तो यही मानता हूँ कि ये कहीं ना कहीं शास्त्रीय कला और ये क्लासिकल म्यूज़िक से ही उत्पन्न हुए हैं सर। सर मैंने, मैं जब लगा था पहली बार क्लासिकल म्यूज़िक सीखने, तो हमारे फादर साहब भी हमको लेके गए थे, हमारे शहर के बहुत ही अच्छे कलाकार, बहुत ही अच्छे तबला वादक जो हैं, प्रभान शर्मा जी हैं, तो उनके पास ही मैंने मेरी जो शास्त्रीय संगीत की जो शिक्षा है वो सारी वहीं से ग्रहण की है। तो आप सर क्लासिक गाने के बजाय तो पंजाबी या हरियाणवी सॉन्ग गाते हैं या सिर्फ क्लासिक ही? नहीं नहीं जी, मेरा सीखने का यही मोटिव नहीं था कि मैं सिर्फ शास्त्रीय गायन में ही रह जाऊँ। शास्त्रीय गायन मुझे इसलिए भी सीखना था ताकि मैं और जो आजकल के लाइट म्यूज़िक है या जो नए हिंदी गाने हैं उनको भी अच्छे से गा सकूँ। तो कहीं ना कहीं क्लासिकल म्यूज़िक ने मुझे वो रूट्स प्रोवाइड करी है, मुझे वो बेस प्रोवाइड कराया गया है कि मैं आजकल के जो हिंदी गाने जो आप सुनते हैं नए, उनको अच्छे से गा लूँ। कैसा महसूस होता है जब बेटा प्रगति करता है? तो कोई भी माँ बाप हो, हमें तो क्या, सभी जो भी पेरेंट्स हैं जिनके बच्चे हैं, हर माँ बाप चाहता है मेरा बच्चा हराए तो कोई, मेरा बच्चा ही मेरे को हराए। दुनिया में हर धरती पे कोई बेवकूफ़ी होगा जो ये ना सोचता हो। लगभग तकरीबन सभी पेरेंट्स अपने बच्चे से हारना पसंद करेंगे, हर पेरेंट चाहेगा मेरा बच्चा मेरे से आगे निकले। नहीं, आज आपका संघर्ष ऊंचाइयों पर है, बेटी SDM लग चुकी है, बेटा गायक बन चुका है, ऊंचाइयों से क्या कहेंगे आप? ये सब हमारे गुरुदेव की कृपा है, आप लोगों का आशीर्वाद, ऐसे ही पूछे तो आप लोगों की ब्लेसिंग है, हर गुरुओं की कृपा है। काम तो सभी करते हैं धरती पे, जो भी आया सभी संघर्ष करते हैं। मैं ये कहूँगा कि मैंने ज़्यादा किया, मुझसे भी ज़्यादा करने वाले, पर ब्लेसिंग कौन लेता है, दुआएं कौन लेता है, गुरु की कृपा किस पे होती है? तो हमारे ऊपर तो हम तो इतने कोई बड़े वो जितना कोई संघर्ष भी नहीं किया, सभी करते हैं उनसे कम ही किया होगा, पर गुरुदेव की और आप जैसे लोगों की दुआएँ कृपा बहुत रही हम पे। और ये आज बिटिया STM भी बनी, और मैंने भी अपना जितना 30-35 साल अपना कार्य किया, बड़ा अच्छे से उसका निर्वहन किया, और संगीत के अंदर भी जबकि मैं कोई सीखा हुआ नहीं हूँ, तो आज मैं कहना नहीं चाहता हूँ, ये बात मेरे मुँह से अच्छी भी नहीं लगती, कि आज वर्ल्ड फेमस मेरा चैनल है देवराज पेज, वर्ल्ड फेमस है, जिसमें आप देखो कितने एक प्रोग्राम को 5 से 4, 4, 5 हज़ार, एक समय में 5-7 हज़ार, 10-10 हज़ार आदमी, 20 हज़ार, और मैंने फेसबुक पे एक रिकॉर्ड भी बनाया था एक बार, 90 हज़ार भी उठे मेरे एक प्रोग्राम के। तो ये सब ब्लेसिंग है, जबकि मैं तो कलाकार भी नहीं इतना बड़ा।